अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्ला और आप हमारा चैनल कलीम टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के छोटे से आइलैंड की सैर कराने वाला हूं। वो कैरेबियन सी में वाकया है, नीदरलैंड की उस पर हकूमत है, यानी कि वो जजीरा नीदरलैंड के कंट्रोल में है। वो है जजीरा सबा आइलैंड। ये एंगोला के जनूब में वाकया है और एंटीगुआ के शुमाल और मगरब में वाकया है। तो इस जजीरा, ये जजीरा आतिशफशां है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जजीरा, छोटा सा जजीरा है और कैरेबियन सी में वाकया है। और इसके अलावा सेंट मार्टिन, डोमिनिका, एंटीगुआ आइलैंड, पुर्टो रिको आइलैंड, बोनेर आइलैंड के दरमियान में ये जजीरा वाकया है। और जो एंगोला आइलैंड है, तकरीबन इसकी 15 मिनट की दूरी है। आज की हमारी वीडियो सबा पर है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और साथ लगी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कलीम टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे जजीरे की सैर कराऊंगा जिसके मुतल्लिक मालूमाती वीडियो YouTube पर उर्दू में एक भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबा जजीरा सेंट मार्टिन जजीरे से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर वाकया है। सेंट मार्टिन एंटीगुआ, डोमिनिका, पोर्टो रिको के दरमियान में और बुनेर के दरमियान ये जजीरा वाकया है। दोस्तों, इस मुल्क का सिर्फ एक एयरपोर्ट है मगर कोई बंदरगाह नहीं है। ये मुल्क कैरेबियन सी में नीदरलैंड की सबसे छोटी सरकारी तंजीम के तौर पर भी जाना जाता है। इस जजीरे का कुल रकबा महज 13 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये 5 मुरब्बा मील पर मुहित है। यहाँ की आबादी 2000 अफराद पर मुश्तमल है जिनका अंदाजा 1800 लगाया गया है। ये आतिशफशां जजीरे के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर सिर्फ दो स्कूल्स हैं, सबा कम्प्रीहेंसिव स्कूल्स और दूसरा प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर 110 वोल्ट की बिजली इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर कोई ट्रांसफर या एडाप्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर बोली जाने वाली जबानों की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, लेकिन सरकारी जबान डच है। यहाँ की सारी आबादी 4 देहातों में आबाद है। यहाँ रियासत का सरबरा गवर्नर होता है जिनको नीदरलैंड की मलका मुकर्रर करती है, क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड की हकूमत है। यहाँ आबादी का 2/3 हिस्सा सरकारी नौकरियां करता है। यहाँ क्राइम्स और क्रिमिनल्स ना होने के बराबर हैं। इस वजह से इस इलाके को दुनिया का सेफ आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर की तरह नाइट लाइट्स बहुत पुरलुत्फ होती हैं। यहाँ पर कई दुकानें और रेस्टोरेंट हैं और सबा आइलैंड का कैपिटल दी बॉटम शहर है।
यहाँ रोमन कैथोलिक के मानने वाले आबाद हैं। इस इलाके को 1100 कबल मसीह में मैसनूबी लोगों ने आबाद किया और बाद में साउथ अमेरिका से लोग आए और आबाद हो गए। कहा जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 13 नवंबर 1493 में इस जजीरे का दौरा किया। फिर 1632 में अंग्रेजों का एक ग्रुप यहां पहुंचा। इसके बाद बहुत से अकवाम ने इस इलाके पर कंट्रोल के दावे किए, मगर सन 1816 में नीदरलैंड ने मुकम्मल तौर पर इस इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। दोस्तों 17वीं और 18वीं सदी में इस इलाके की बड़ी सनातों में शुगर, आंडगो और रम्स थी, जो सेंट स्टेंटियस में रहने वाले डच बशिंदों की मलकियत वाले बागात में कायम की गई थी। बाद में अफ्रीका से यहां काम करने के लिए गुलामों को मंगवाया गया। 17वीं सदी में सबा जजीरा जो मेका के कजाकों के लिए बेहतरीन जगह मानी जाती थी। इसके बाद इंग्लैंड ने अपने कुछ शहरियों को जला वतन किया, तो इनमें से कुछ समंदरी डाकू बन गए और कुछ इस जजीरे में आबाद हो गए। 1993 में जोसेफ लीमी ने यहाँ पर एक रोड तमीर करवाया, जो खुद एक इंजीनियर था, और फिर मुल्क में नकलो हमल शुरू हुई। 5 नवंबर 2004 में स्टेटस रेफरेंडम हुआ और 98% आबादी ने नीदरलैंड के साथ तल्लुकात कायम करने के लिए वोट दिए। इस छोटे से सरसब्ज जजीरे को पहाड़ी और चट्टानी इलाके के तौर पर भी जाना जाता है। अंग्रेजी और डच जबानें यहां पर बोली और पढ़ाई जाती हैं और ये दोनों जबानें सरकारी होने का एजाज रखती हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जिसको सबा यूनिवर्सिटी कहा जाता। इस यूनिवर्सिटी को सबा जजीरे और नीदरलैंड दोनों मुमालिक ने मुकम्मल मिलकर तामीर किया। इस मुल्क में हम जिन अफराद की शादी के लिए कानून मौजूद है, दोस्तों इस जजीरे की करेंसी अमेरिकन डॉलर है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी कर सकती है। यहाँ पर ऐसी सबसे पहली शादी 4 दिसंबर 2012 में एक डच शख्स और वेंजविला के रिहायशी के दरमियान हुई और दोनों एरुबा आइलैंड में जाकर मुकीम हो गए और अब इस अमल पर पाबंदी लगा दी गई है। इस इलाके में जरायद अरूज पर है, माल मवेशी भी पाले जाते हैं और बहुत सी सब्जियां उगाई जाती हैं और अब सियाहत के हवाले से ये जजीरा बहुत मशहूर है। हर साल हजारों सैलानी इस जजीरे का रुख करते हैं, जिनका अंदाजा 25,000 लगाया गया है। इस इलाके को गैर मजहब मलका का नाम भी दिया गया है। यहाँ एक मरकजी सड़क है जिसको डी रोड कहा जाता है, जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ये सड़क जोसेफ ने तामीर कराई थी 1993 में, यानी 1963 में। यहाँ पर एक हवाई अड्डा तामीर किया गया जिसका रनवे सिर्फ 400 मीटर है लंबा है। दोस्तों अगर हम सबा आइलैंड में खेलों की बात करें तो यहाँ पर भी दुनिया भर की तरह मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, जिनमें फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग और वॉलीबॉल शामिल हैं। एक छोटी सी आबादी की वजह से इस इलाके में बहुत कम खेलों की एसोसिएशन है, मगर खेल यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ की कल्चर की बात करें तो यहाँ की खवातीन जजीरे की दो मसनुआत सबा लेस और सबा स्पाइस तैयार करती हैं। यहाँ बनाई जाने वाली सबा स्पाइस एक शराब है जो कि रम की एक किस्म है और कई मिसालों से तैयार की जाती है। यहाँ के दारुल हकूमत में एक खसूसी दिन मनाया जाता है जो सबा डे के नाम से जाना जाता है, जिस इस दिन को कौमी दिन का एजाज भी हासिल। और यहाँ पर अगर हम किसी से बात करना चाहें तो इसके नंबर के साथ +599 लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ का ऑफिशियली कॉलिंग कोड है। दोस्तों सबा आइलैंड के कौमी दिन पर तमाम दफातर, दुकानें और मार्केट्स बंद होती हैं
और इस दिन परेड किया जाता है और सकाफत के तमाम रंग निछावर किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाया जाने वाला नेशनल फूड एजाज बकरी के गोश्त और चावल को है। इस मुल्ला का झंडा चार रंगों पर मुश्तमल है, जिनमें सुरख, सफेद, नीला और पीला रंग शामिल है। इस झंडे को 6 दिसंबर 1985 को अपनाया गया। अगर हम पाकिस्तानियों के लिए वीजा की बात करें तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर जाने के लिए नीदरलैंड का वीजा लेना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में मौजूद इस्लामाबाद में नीदरलैंड एम्बेसी से लिया जा सकता है। और आप पाकिस्तान में मौजूद नीदरलैंड की एम्बेसी से इस इलाके के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने अजीजो अकारिब के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में जरूर शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने दोस्त कलीमुल्ला को इजाजत दें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।